तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थी, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाओ, ताकि आप सबको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके राजनीति विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग अपने पेपर को अच्छे प्रकार से देख लो और पूरा समझ लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कितने सदस्य हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है 120 सदस्य। उसके बाद में अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से आप लोग 120 ये कर ले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो देखिएगा बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी आपको बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 1961 में खड़ी की गई थी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, साप्टा संबंधित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साप्टा जो है ना किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, साप्टा जो संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, सार्क से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सार्क। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब देखिएगा ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति मित्रता तथा सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी 1971 में किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से इसे देख ले 1971। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था, नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उदारीकरण, शुरुआत में नहीं अपनाया गया था, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंजाब से इसका संबंध है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सातवें नंबर का, भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, वीपी मंडल। क्या नाम था उनका, वीपी मंडल। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा, देखिएगा यहाँ से आप लोग पढ़ लें, शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत स्कीमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो देखिएगा आठवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना, यूरोप में हुआ था। उसके बाद में यहाँ से आप लोग ये देख लें, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में हम नवे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी ये आपको बताना है। तो आप सब लोग देख लेंगे, सबको पता है रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। उसके बाद में दसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी किया गया। तो देखिएगा दसवां क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, ये 1951 में जारी किया गया था। उसके बाद में देखिएगा ग्यारहवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्यारहवां क्वेश्चन जो लिखा है ना, ब्रिटेन ने किस पर हमला किया था, मिस्र पर, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में बारहवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोक दल के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लोक दल के संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें। तो पहला रिक्त स्थान देखते हैं, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में की स्थापना हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या राइट आंसर होगा इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत ने सन में पहला परमाणु परीक्षण किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान में, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1957 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना, कहाँ पर बनी थी ये, केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। और उसके बाद में ये क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का, नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्वे के कौन थे, ट्रिगवेली, क्या नाम था उनका, यहाँ से लिख लें आप लोग, ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पाँचवें नंबर का, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना, केशवानंद भारती, क्या नाम था उनका, केशवा और उसके बाद में नंद भारती इसका नाम था। यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, वर्ष में बामसेफ का गठन हुआ। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, 1973 में बामसेफ का गठन पूरा हुआ था। उसके बाद में देखिएगा इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया था ना पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऐसा होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको पूरा ये लिखना था। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको समझ लें, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, किन देशों को दूसरी देश दुनिया के देश कहा जाता है, तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे। और देखिएगा इनका फुल सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। सभी के सभी दो दो अंक वाले क्वेश्चन हैं, कुछ ये तीन अंक वाले क्वेश्चन होंगे और उसके अलावा कुछ चार अंक वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा ये तो आपका पूरा पेपर है, अब चलेगा इसके सॉल्यूशन को देखते और समझते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए कुछ मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 7 लिखा है, शॉक थेरेपी से क्या आशय हैं, तो आप सब लोग इसको देख लें। ये दो दो अंक में पूछे गए क्वेश्चन है, उसका अथवा वाला क्वेश्चन ये लिखा है, दो ध्रुवीयता क्या है, इसको भी आप लोग यहाँ से देख लेंगे और याद कर लेंगे अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ से देखें इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दक्षिण एशिया के दो देशों के नाम आपको बताने हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लें और पूरा याद कर लें यहाँ तक का। उसके बाद में देखिएगा साप्टा क्या है, तो देखिएगा साप्टा क्या है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा कुछ हिस्सा ये दिया गया है, इसके बाद में आपको इस वाले क्वेश्चन को भी याद कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, निःशस्त्रीकरण क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन को पूरा आप लोग देख लें। ये द्वंक में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग इसको भी याद कर लें, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग याद कर लेंगे यहाँ से, 101% आपके पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, भारत के प्रथम विधि व शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे और अच्छे प्रकार से याद भी कर लेंगे पूरा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब व किस दल की स्थापना की, तो इसको भी आप लोग याद कर लो पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले पूरा और इसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख ले पूरा और इसको याद कर लेंगे पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जनादेश क्या है, तो देखिएगा जनता का आदेश क्या है, जनादेश क्या है, ये आपको बताना पूरा, तो यहाँ तक का पूरा आप लोग याद कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा दल बदल क्या है, इससे क्या से, तो पूरा का पूरा यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन देख लें आप लोग और इसको याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा, देख सकती हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो इसको आप लोग देख लें यहाँ से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दो कार्य आपको बताने हैं, तो यहाँ से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों को लिख लेंगे। और एक इस वाले क्वेश्चन को देख लें, मानवाधिकार आयोग के कोई दो कार्य लिखिए, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें, पढ़ लें और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग देखिए, पढ़ लें और अच्छे से समझ भी लेंगे इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है ना ये वाला, सोवियत प्रणाली क्या है, तो देखिएगा सोवियत प्रणाली क्या है, इसको पूरा का पूरा देख लें यहाँ तक का और याद कर लेंगे इसको अच्छे प्रकार से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे, क्या दिया गया है यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको, आसियान को समझाइए, तो देखिएगा पहले विद्यार्थी यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा इसके अथवा वाले क्वेश्चन का ये लिखा है, तो यहाँ से आपके प्यारे विद्यार्थियों आपके दो तीन अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तीन अंक वाले, इनको देख लें। और इसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, योजना आयोग को समझाइए, तो देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें यहाँ तक का।
अगला क्वेश्चन ये लिखा हरित क्रांति क्या थी समझाइए। तो देखो यहाँ तक का आप लोग देख ले पूरा इसको और याद कर लेंगे हरित क्रांति क्या थी, पूरा का पूरा देख लो यहाँ तक का। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है आसियान विजन 2020 क्या है, तो इसको भी देख लें। सभी के सभी जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके चार अंक वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लें पूरा। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है नेपाल की जनता अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुई। तो इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग यहाँ से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे यहाँ तक का ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखिएगा 20वां क्वेश्चन ये लिखा है महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन क्यों रखती थी। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप सब लोग पढ़ लें और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेंगे, 101% आपके पेपर में आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से पूरा आप लोग देख लेंगे यहाँ तक का। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको, पढ़ लें पूरा का पूरा। क्या लिखा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया, समीक्षा कीजिए। तो यहाँ तक का पूरा देख लो आप लोग इसको और अच्छे से याद भी कर लो। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन सुरक्षा परिषद के कार्य आपको बताने, पहला कार्य ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है और चौथा ये लिखा गया है। तो यहाँ तक का आप लोग पूरा इसको देख लो और याद कर लो इसको अच्छे प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं यूनिसेफ के कार्यों को समझाइए। तो देखिएगा यूनिसेफ के कार्य कैसे समझाने हैं, बाल अधिकारों को संरक्षित करना इसका कार्य है। और उसके बाद में देखिएगा दूसरा कार्य महिला एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल करना और पोषण अभियान चलाना, ये इसके कार्य लिखे हैं, आप लोग देख लें यहाँ से। अगला ये लिखा गया है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लें बाल कोष, बालकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण, तो इस प्रकार से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को समझाइए। तो देखिएगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत ये दिया गया है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का देख लें और पूरा इसको समझ भी लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौतियाँ है। तो देखिएगा पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधना, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ तक आप लोग देख लेंगे। दूसरा लिखा लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरे लिखे समाज मूलक विकास, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा इसको देख लें। अगला ये लिखा रजवाड़ों के विलय की समस्या, इस प्रकार से आप सब लोग देख लेंगे इसको यहाँ तक का और इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखिएगा 23वां क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो भारतीय परमाणु नीति, इसको आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, क्वेश्चन 23 में आपको देखने को मिलेगा पूरा, यहाँ तक का आप लोग देख लें। अगला ये लिखा गया है, उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें यहाँ तक का पूरा और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।